बाबा श्याम भक्तों को दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन देते हैं? बस विश्वास अटल होना चाहिए। एक समय की बात है कि वृंदावन धाम में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी राधे रानी और श्री श्याम के अनन्य भक्तों में से थे। एक समय भगवान श्री श्याम की कृपा से उनके चार बेटे चार बहुएं कुछ दिन भक्ति भाव में होने के बाद उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और सेठ जी अकेले हो जाते हैं। जब वो अकेले हो जाते हैं तो प्रभु श्याम से कहते हैं कि अब मैं किससे दुख सुख की बातें करूं। भगवान श्री श्याम के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि कैसे मैं अपने सुख दुख की बात करूं, किससे अपना दिल का हाल सुनाऊं। बाबा श्याम कहते हैं कि जा वृंदावन और जाकर राधे रानी को अपनी बेटी बनाकर ले आ। सेठ जी सुबह उठते हैं और वृंदावन धाम के दरबार में जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी मुझे दुख सुख बात करने वाली एक प्यारी राधे रानी बेटी चाहिए। पंडित जी मुस्कुराने लगे कि सेठ जी हर बार आते थे कुछ न कुछ चढ़ावा देते थे, आज आए हैं तो कहते हैं राधे रानी को ही अपने साथ अपनी बेटी बनाकर ले जाएंगे, ये क्या बात है। मुस्कुराकर पंडित जी ने कहा ठीक है सेठ जी। अंदर गए और एक खूबसूरत राधे रानी की तस्वीर ले आए और तस्वीर लाकर सेठ जी के हाथों में थमा दिए। सेठ जी बड़े प्यार से हर्षोल्लास के साथ राधे रानी को अपनी बेटी बनाकर घर ले आए और अपने बेडरूम में राधे रानी की तस्वीर अपने माथे के ऊपर लगा दिए। जब सुबह उठते तो राधे रानी के सामने प्रणाम करते, जब सोते तब प्रणाम करते, हर दुख सुख की बात उस तस्वीर से किया करते। एक दिन ऐसा हुआ, सावन का दिन आया, हर साल की भांति उस दिन सावन में मनिहारी चूड़ी बेचने वाली उनके घर आई और चूड़ी बेचने वालों ने उनके घर पे आके दरवाजा खटखटाई। जब तो उनकी चार बहू थी, चारों बहू आई और बड़े प्यार से सेठ जी के यहाँ बहुओं ने चूड़ी पहनी। जब चारों बहुएं चूड़ी पहन चुकी थी तो पांचवा हाथ आगे आ गया, चूड़ी पहन ली। उसके बाद जब चूड़ी वाली सेठ जी के पास दुकान पे गई और कही कि सेठ जी इस बार मैंने पांच बहुओं को चूड़ी पहनाई है, सेठ जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आखिर चार बहू मेरे घर में पांचवी कौन सी आ गई। मनिहारी को सेठ जी कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, मेरे घर में सिर्फ चार बहू हैं, पांचवी कोई नहीं है, मैं सिर्फ चार का ही पैसा दूंगा। मनिहारी सोची कि सेठ जी को क्यों नाराज करें, चलो ये चार का ही पैसा दे रहे हैं, चार का ही ले लेते हैं। सेठ जी से चार का पैसा लेकर मनिहारी अपने घर को चली गई। जब भगवान को प्रणाम करके जब सोए सेठ जी तो ये सोचने लगे कि आखिर ये पांचवी कौन थी मेरे घर में, पांचवी कौन थी जिसने चूड़ी पहनी। उठे अचानक और गए अपने बहुओं के घर में, बुलाए कि ये बताओ आज पांचवी गेस्ट कौन आई थी घर में जिसने चूड़ी पहनी। सभी बहू बोली ससुर जी सठिया गया है, महाराज चार का अलावा पांचवी तो कोई है ही को नहीं। सेठ जी पूरी रात सोचते रहे। ठीक 3 बजे राधे रानी सपने में आई, बापू उठ जा, बापू उठ जा आवाज आई। सेठ जी चारों तरफ देखने लगे कि भाई यार मेरी भूखी आवाज तो कोनी, आखिर कौन है भाई। चारों तरफ देखने लगे, अचानक राधे रानी की तस्वीर से आवाज आई, बापू मैं उरी न हूं। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधे रानी की तस्वीर लगी थी। सेठ जी अचानक राधे रानी की तस्वीर को देखते हैं और राधे रानी की तस्वीर उनसे बात करती है कि बापू सब दिन दुख सुख मेरे से बतियावा है और सिर्फ बहू ने याद रखे हैं, मैं भी तो तेरे घर में रहू हूं, मैं भी तेरे घर में रहू हूं, पांचवी मई हूं तेरी बेटी जो आज चूड़ी पहनी हूं। जब ये बात सेठ जी सुने तो बहुत घबरा गए कि जिसको मैं बेटी मानता हूं वो मेरे घर में रहती है, मैं आज तक तस्वीर समझता था वो मेरे घर में रहती है। फिर भी सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी सुबह हुई बग्घी निकाली और चल पड़े उस मनिहारी को खोजने की, कौन ऐसी मनिहारी है
जिसको राधे रानी ने दर्शन दिया और मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिया। सेठ जी बग्घी निकाले और सुबह सुबह उस मनिहारी के दरबार में गए, उसके घर पे गए और दरवाजा खटखटाया। सेठ जी को देख मनिहारी बड़ी बेचैन हुई कि क्या मालूम क्या गलती हो गई। जो सेठ जी आ गए, बड़ी प्यार से दरवाजा खोलती और कहती है, बैठी सेठ जी। बोले मैं बैठने नहीं आया हूँ, सच बता कि मेरे घर में पांचवी कौन थी। मनिहारी बोली, सच बोलूंगी तो आप मानोगे नहीं। बोले नहीं, जो सच है ये बताओ। बड़े प्यार से मनिहारी कहती है कि आपके घर में एक और कोई बेटी रहती है। जब ये बात सेठ जी को कही तो सेठ जी मनिहारी का पांव पकड़ लिए कि तू किसनी कितनी प्यारी और कितनी राधे रानी की दुलारी है, जिसको मैं बेटी मानता था, जिसने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिया, तुझे उसने दर्शन दिया। तो बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सेठ जी की भक्ति सच्ची थी तो राधे रानी उनके घर बेटी बनकर आई। नानी बाई की भक्ति सच्ची थी तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनका भात भरने आए। द्रौपदी की भक्ति सच्ची थी तो भगवान श्री कृष्ण उनका चीर बढ़ाने आए। जिस भक्त का विश्वास अटल होता है तो मेरा श्याम उनके मुसीबत की घड़ी में अवश्य आता है। क्योंकि भक्तों कहना चाहूंगा कि इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन बन के टूट जाते हैं, और मेरे श्याम धनी के दरबार खाटू वही जाते हैं जिन्हें मेरे श्याम बुलाते हैं। यदि बात सच्ची हो तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। भक्तों, मेरे श्याम धनी एक ऐसे देवता हैं जिनके दरबार में जो भी मांगो पूर्ण अवश्य होता है। आइए, मेरे बाबा का यह अलौकिक श्रृंगार सजा है और आज हर कोई मेरे श्याम के रंग में रंगने आया है। कोई सीतामढ़ी से चलकर आया है, कोई झंझारपुर से चलकर आया है, कोई पटना से चलकर आया है, कोई लहान से चलकर आया है, कोई जनकपुर की पावन धरती से चलकर आया है। आज हर कोई मेरे श्याम के चिर चरणों में अपनी हाजिर लगाने आया है। तो जब तक बाबा श्याम की ज्योत जल रही है, मैं चाहूंगा कि बाबा के महामंत्र का जाप आप लोग सब मिलकर करें, अपने मुख को शुद्ध करें। एक बार गणेश जी का जयकारा हो जाए। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोल साचे दरबार की। आइए भक्तों, सब मिलकर बाबा को दरबार में बुलाएं। जब तक ज्योत नहीं आ रही, सब मिलकर बाबा के महामंत्र का जाप करें और सब मिलकर बोलेंगे क्या, ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। ऐसे नहीं होती है जयकार, आपके मुखारविंद से आवाज निकलनी चाहिए। क्योंकि आज की रात कोई गाकर हाजिर लगाने आए हैं, कोई बजाकर हाजिर लगाने आए हैं। आपकी हाजिरी आपके भजनों और तालियों से होगी। एक मिनट भैया, कौन कौन हाजिर लगाने आए हैं जरा खोलिए हाथ ऊपर। एक भी हाथ छूट गया तो समझ लो सुरक्षा चक्र टूट गया। दोनों हाथ हमारे पीछे वाली भाभी सोच रहे हैं कि आगे वाले हाजिर लगा रहे हैं, हमारा भी काम चल जाएगा। आप खाओगे अपने मुंह में, वो खाएंगे अपने मुंह में। तो जिनको भी हाजिर लगाने आए हैं जरा उठाइए हाथ और तालियों के साथ। एक मिनट भैया, आप लोग नहीं बजाएंगे, मैं बोलूंगा तब, जरा सब मिलकर बोलिए। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों लखदा तारे की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। ये तालियों की सेवा, 1 2 3
जय हो। बोल खातू नरेश की, बोल खेतातार की, बोल बोल गुड़वंशी वाले की। और बाबा लीले पे असवार होकर खातू से चले आए हैं। कौन कौन बाबा को देख रहे हैं, जरा खोलिए हाथ, बाबा को देखिए और तालियां लहराते हुए बोलिए, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों लगता तारे की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों लगता तारे की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोल दहारे की सहारे की, बोल अहलवती के लाल की जय। और कहते हैं ये हारे का साथी है, जो भी इनका महामंत्र का जाप करता है मेरा श्याम उनके हर कष्ट हर लेता है। तो गणेश वंदना को लेकर आपके बीच भक्त आए, उससे पहले आप सभी मिलकर गणेश जी महाराज को मनाएं और बाबा के श्री चरणों में महामंत्र का जाप करें। ओ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय अहलवत के लाल की जय, श्याम बाबा की जय अहलवत के लाल की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों खाटू वाले की जय, लीले वाले की जय श्याम बाबा की जय, लीले वाले की जय श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों 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 श्याम बाबा की जय। बोलिए लखदा तार की। एक बात कहना चाहूंगा भक्तों कि वो राजस्थान की वादी क्या जिसमें प्यारे प्यारे मोर न हो, वो राजस्थान की वादी क्या जिसमें प्यारे प्यारे मोर न हो, और वो मेरे श्याम का दरबार का जिसमें इतने सारे भक्त हो और तालियों का शोर न हो। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए भक्तों, बाबा श्री श्याम की जोत आ चुकी है और दरबार में हमारे भक्त सोनू मेघ जी आए, उससे पहले दो शब्द दरबार में। प्रथमी सुमेरु गजानंद, द्वितीय गुरु जी महाराज, और द्वितीय मैं सुमेरु मां शारदा, मेरे कंठ करो परवे ये तन बिसकी बेलरी, गुरु अमृत की खान और बलिहारी गुरु आपनो, जो श्याम से दियो मिला कि श्याम सुधा अमृत रस का प्याला, घर मुझको मिलता पी जाता, अरे इतना पीता कि सागर का किनारा मिल जाता।
इस धरती पे किसके बिना क्या अधूरा है मैं बताऊं। यदि वाकई में लगे कि मैंने बात सच्ची कही है तो तालियां बजेगा। सुनिए, धरती सुना अंबर सुना, मंदिर है भगवान बिना, और बिन बाती के दीपक सुना, जैसे चेला गुरु ज्ञान बिना। अयोध्या है अधूरी श्री राम बिना, मथुरा है अधूरी श्री श्याम बिना, और ये भक्तों की महफिल जो सजी है वो अधूरी है श्याम के जयकार बिना। बोल खाटू नरेश की, बोलिए लखदातार की, बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की। आइए हमारे सोनू जी आए, उससे पहले एक भजन की हाजिरी दरबार में मैं लगाऊं जैसा सबका आदेश। बोलिए खाटू नरेश की, ऐसे नहीं जयकार होती है, जय बोल के जयकार होनी चाहिए। ये जो सच्चे दरबार में जय बोल के जयकार लगाएंगे उनकी विजय निश्चित है। बोलिए खाटू नरेश की, बोल लखदातार की, बोल हारे के सहारे की। आइए बाबा श्याम दरबार में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वैसे आज मुझे मन संचालन करने के लिए यहाँ बुलाया गया है, लेकिन आदेश हुआ कि कुछ हाजिरी होनी चाहिए, तो आइए दरबार में एक हाजिरी मेरी भी हो। और जो भी जोत लेना चाहते हैं यहाँ से लाइन लगाएंगे साइड से, और एक एक करके सब लोग जोत लेंगे। आइए मेरा बाबा आज किनको किनको प्यारा लग रहा है जरा हाथों को खोल कर दिखाना, सबको प्यारा लग रहा है ना। तो दरबार में कहना चाहूंगा क्या, नजर कदी ना लागे तेरे, नजर कदी ना लागे, नजर कदी ना लागे तेरे, नजर कदी ना लागे। कुण कुण बोलोगा भाई कि नजर कदी ना लागे, जरा हाथ ने उठा लो एकदम सीधा, क्योंकि जो भी बाबा की नजर उतारोगा फिर थारे ऊपर कदे नजर कोनी लागे कोई की। जरा उठा लो हाथ ने और ताली के साथ, थे बण्या तूज का चांद बाबा नजर कदी ना लागे, थे बण्या तूज का चांद बाबा नजर कदी ना लागे, नजर कदी ना लागे तेरे, नजर कदी ना लागे श्याम बाबा, नजर कदी ना लागे तेरे, नजर कदी ना लागे, हे बण्या तूज का चांद बाबा नजर कदी ना लागे, हे बण्या तूज का चांद बाबा नजर कदी ना लागे। तालियों की सेवा सभी लोग। हरियाणा से आया तेरा रूप देख चकराया, हे लोकहा से है आया तेरा रूप देख चकराया, तेरी बाकी मेरी चुचमन भरा है बड़ा भोज लुभाया, तेरी बाकी मेरी चुचमन भरा है बड़ा भोज लुभाया, हो तेरे घने निराले ठाठ बाबा नजर कदी ना लागे, जरा मेरे साथ सब मिलकर बोलियो, थारे घने निराले ठाठ बाबा नजर कदी ना लागे, बोलिए थारे घने निराले नजर कदी ना लागे। थे लोग तो यहाँ बैठा हो जहाँ लगा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही और चुपचाप बैठे हो, कुण कुण बाबा की नजर तारों का जरा उठा लो हाथ ने और तालियों के साथ, वन टू वन टू थ्री फोर। नजर कदी ना लागे तेरे, नजर कदी ना लागे, नजर कदी ना लागे
फिर नजर कदे ना लागे बनया दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे बनया दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे बोल खातू नरेश की बोल लखदा ताल की और एक आवश्यक सूचना जिनको भी जोत लेनी है साइड से आप जोत ले लेंगे और कहते हैं क्या तेरी मकराने की कोठी तेरी आँखा मोटी मोटी तेरी मकराने की कोठी तेरी आँखा मोटी मोटी खातू में बैठो बाबो भगता पर फेंके गोटी खातू में बैठो बाबो भगता पर फेंके गोटी जब बाबो अपन बुलावा है गोटी फेंक फेंक के दरबार में कि भगत दौड़ दौड़ के आवा बाबा के दरबार में क्यों इधर गणे निराले थाथ बाबा नजर कदे ना लागे कौन कौन कहेंगे बाबा को कि बाबा तेरे घने निराले ठाठ तेरे कदे नजर ना लागे जरा खोल लो हाथ ने और ताली बजाकर थारे घने निराले ठाठ बाबा नजर कदे ना लागे हरे घने निराले ठाठ बाबा नजर कदे ना लागे नजर कदे ना लागे तेरे नजर कदे ना लागे श्याम बाबा नजर कदे ना लागे तेरे नजर कदे ना लागे हे बनया दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे हे बनया दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे हे बनया दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे हे बनया दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे बोल खातू नरेश की बोली रखदा तार की।